सुनो गाइस, अभी मैं पेन के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके बारे में बेसिक चीज़ें सारे बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें चैप्टर में हमने जो टॉपिक देखना है वो फर्स्ट पेज पे ये टाइप ऑफ पेन एंड देयर क्वालिटीज़, ठीक है। अब पेन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ना बेसिकली सिंपल लिखा हुआ है कि पेन की दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है फास्ट पेन एंड अदर वन इज द स्लो पेन। अब फास्ट पेन और स्लो पेन में कुछ डिफरेंस है इस चैप्टर में, बेसिकली यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्ट पेन और स्लो पेन में क्या क्या डिफरेंस है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी बुक से भी जो फर्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है वहाँ से आपको बताता चाहता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द फास्ट एंड द स्लो पेन। लेट मी राइट इट, देयर इज द वन इज द फास्ट पेन एंड देन वेयर इज द स्लो पेन, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक यहाँ पे कवर कराता जाऊँगा। सबसे पहले फास्ट पेन, मैंने दोनों की हमारे पास बताया गया है कि फास्ट पेन कौन सा होता है, स्लो पेन, तो हम इसको क्लासीफाई ऐसे कर सकते हैं कि फास्ट पेन वो होता है जिसकी हमारे पास जो परसेप्शन के लिए टाइम चाहिए वो हमारे पास 0.1 सेकंड होगा, जबकि जो स्लो पेन होगा दैट इज़ फेल्ट आफ्टर द 1 सेकंड, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारे पास सबसे पहले डिफरेंस यही है कि दोनों का टाइम ऑफ परसेप्शन कितना है कि ये 1.1 सेकंड के बाद फास्ट पेन परसीव होता है, जबकि स्लो पेन जो है वो 1 सेकंड। उसके बाद हम फर्दर कहते हैं कि कुछ नाम भी हैं, ठीक है, इस टॉपिक में, यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ ये चीज़ें बेसिक कि इसके कुछ जो नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बताता हूँ कि फास्ट पेन को हम और नाम भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, एक्यूट पेन, इलेक्ट्रिक पेन, जबकि जो स्लो पेन है उसको हम नाम देते हैं, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम है बर्निंग पेन, एकिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, नॉजियस पेन एंड द क्रोनिक पेन, ठीक है, ये इनके नाम है। उसके अलावा यहाँ पे एक और रीज़न भी लिखी है इनकी, ठीक है। मेनली अगर कहते हैं कि जो फास्ट पेन होता है मेनली जो हमारे पास ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, यानी कि लाइक स्किन है या फिर हमारे पास जो पेराइटल कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, पेराइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर। पेराइटल स्ट्रक्चर कौन से हैं, पेराइटल स्ट्रक्चर लाइक जिस तरह के हमारे पास प्लीरा वगैरह है तो उनकी एक पेराइटल लेयर होती थी, विजरल लेयर, ठीक है, जो पेराइटल लेयर है उसके अंदर है। और जो हमारे स्लो पेन है ये हमारे बेसिकली डीप स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है, ये हमारे बेसिकली डीप स्ट्रक्चर के अंदर। तो दो डिफरेंसेज हो गए। तीसरा डिफरेंस आप यहाँ पर नाम कब लिख सकते हैं कि इनके नेम कौन कौन से होंगे। उस पर नेक्स्ट आगे यहाँ पे एक टॉपिक है छोटा सा कि पेन रिसेप्टर एंड द दिस स्टिमुलेशन, ठीक है, कि पेन रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन कैसे होती है। तो बेसिकली इस हेडिंग में लिखा हुआ कि पेन रिसेप्टर आर द फ्री नर्व एंडिंग, कि किसी उनको हम नोसीसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर फ्री नर्व एंडिंग दो तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे से वो फ्री नर्व एंडिंग ही हम कहेंगे कि पेन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं जितने भी कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मोस्ट अदर डीप टिश्यूज ओनली स्पार्सली सप्लाइड द पेन एंडिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास फास्ट पेन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा डोमिनेट होता है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में, स्लो पेन कम। उसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है उनमें पेन की सेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्लो पेन, ठीक है। फास्ट पेन के अंदर जो हमारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में फास्ट पेन ज़्यादा होते हैं, उनमें पेन ज़्यादा होता है और डीप स्ट्रक्चर में कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आपकी स्किन के ऊपर छोटा सा कट लगता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन अगर सर्जरी के दौरान किसी बंदे के अंदर मतलब बॉडी के विजुअल स्ट्रक्चर को कट लगता है तो उसको उतना ज़्यादा पेन फील नहीं होता, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे कहने की हमारे स्टिमुलस, पेन की स्टिमुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको नीचे लिखता हूँ कि पेन के स्टिमुलाई कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि तीन स्टिमुलाई हो सकते हैं। एक सबसे पहले याद रखना है कि मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, उसके बाद आपने याद रखना है कि केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, एंड थर्ड वर्ड कुड बी द थर्मल स्टिमुलाई, ठीक है। तीन तरह के स्टिमुलस हैं जिनकी वजह से पेन हमारे पास से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक हो गया। अब वो कौन कौन सी मतलब किस तरह के पेन प्रोड्यूस हो सकता है, तो जो मैकेनिकल एंड द थर्मल स्टिमुलाई, ये दोनों जो है मैकेनिकल एंड थर्मल, ये होते हैं फास्ट पेन को प्रोड्यूस करते करेंगे, ठीक है। जबकि जो हमारे पास केमिकल स्टिमुलस है ये हमारे पास स्लो पेन को काज करेगा, ओके।